उत्तर प्रदेश में चोरों, डकैतों और दुष्कर्मियों के हौसले बुलंद हैं। वे बनाते हैं मासूमों को अपना शिकार और नहीं डरते हैं यूपी पुलिस से। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं हैरत अंगेज, जो एक महिला से चेन स्नैचिंग की है। किस तरह से चेन स्नैचरों के हौसले बुलंद हैं, वे बनाते हैं वृद्ध मासूमों को अपना शिकार और उनके साथ में करते हैं लूटपाट की वारदात को अंजाम। वक्त आज के समाचार में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी विकास नगर थाने ने कर दिया है बड़ा खुलासा, दिला दिया है पीड़ित वृद्ध महिला को न्याय। क्राइम सर्विलांस टीम पीपी उत्तरी व थाना विकास नगर की संयुक्त टीम द्वारा विकास नगर क्षेत्र अंतर्गत चेन स्नैचिंग करने वाले दो शातिर चेन स्नैचरों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है और लगाया है बड़ा जुर्माना। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर, जहां पर चेन स्नैचरों पर चला यूपी पुलिस लखनऊ का चाबुक। सर, 24 को शाम लगभग 6 बजे विकास नगर सेक्टर 3 में एक महिला के गिला से चेन स्नैचिंग का इंसिडेंट सामने आया था, जिसको आगे चलते हुए विकास नगर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 93/24 अंतर्गत धारा 392 पंजीकृत किया गया था। आज सुबह मुखबिर खास सूचना पर दो शातिर अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इनके साथ पूछताछ करने पर इनके द्वारा ये घटना कारित करने का एक्सेप्ट किया गया है। प्रस्तुत घटना में इस्तेमाल वाइट कलर अपाची गाड़ी, जिसका नंबर UP32JN9170 है, ये भी बरामद किया गया है प्रस्तुत अभियुक्तों के तरफ से, और साथ साथ जो महिला का चेन जो इन्होंने छीना था वो भी बरामद किया था। इस केस में बहुत ही CCTV का हम लोग निरीक्षण किया गया था। इसमें बहुत मेहनत करके इन्होंने क्या किया, जहाँ पे ये लोग रहता था इस जगह से चल के गुड़म्बा में एक सुनसान जगह पे जाके अपना गाड़ी में लगी नंबर प्लेट हटवा दिया था। फिर घटना करने के लिए जहाँ जहाँ पे मुख्य CCTV लगी है उस रास्ता पे ना चलते हुए छोटा छोटा साइड रास्ता ले के घटनास्थल तक पहुँचा था, और घटना करने के बाद ये एकदम ऑपोजिट दिशा यानी अयोध्या की तरफ निकल गया था और किसान पथ का सुनसान इलाकों से गुजरते हुए वापस अपना घर आया था। इन दो अभियुक्तों का पहचान ऐसा है, शिवा सोनी पुत्र कुलदीप सोनी और अभिषेक सोनी पुत्र लालता प्रसाद, ये दोनों छोटा मोटा दुकान पे काम करते हैं। शिवा सोनी जो है अपना पिता का परचून का दुकान पे सहयोग करता है, और अभिषेक सोनी अभी नज़दीक टाइम तक वो एक सोनार का सहाय के रूप में काम करता है, अभी फ़िलहाल उनके पास कोई काम नहीं है। पुलिस द्वारा जो पूछताछ किया गया है तो इसमें ये लोग बताए कि अपना खर्चा चलाने के लिए और जो महंगा गाड़ी एक R15 और एक अपाची गाड़ी इन्होंने ले रखा है, महंगा गाड़ियों के किस्त भरने की नीयत से ही ये लोग लालच में आ गया था और ऐसे घटना कर रहा था। अभी तक जो विवेचना में इन लोगों के ऊपर और कोई मुकदमा होने का पाया नहीं गया है। इन दोनों को पुलिस द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजकर आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। सर, इन दोनों अभियुक्तों का आपसी कनेक्शन आपसी कनेक्शन ये कुछ लंबा समय से ये दोनों आपस में दोस्त था, ये भी कंफर्म नहीं है। फिर ये पूछने में ये बताया कि अभिषेक सोनी जो है पहले शिवा सोनी जिस दुकान पे काम करता था उसके अगल बगल कोई दुकान पे काम करता था। आपराधिक इतिहास इसमें अभी तक जो जांच में कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है, तो इसमें और इस विषय पे और जांच किया जा रहा है।